हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में हम लोग बीपीएससी संबंधित जो प्रश्न कर रहे थे प्राचीन भारत से, उसका आगे का प्रश्न हम लोग करेंगे। इससे पहले हम लोग 25 सवाल देख लिए थे, आज हम लोग 26 नंबर सवाल से करेंगे। चलिए, 26 नंबर सवाल है कि किस प्रकार के भूमि को अप्रहत कहा जाता था, किस प्रकार के भूमि को अप्रहत कहा जाता था। बिना जोती हुई जंगली भूमि, सिंचित भूमि, घने जंगल वाली भूमि, जोती हुई भूमि, तो किस प्रकार के भूमि को अप्रहत कहा जाता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, बिना जोती हुई जंगली भूमि को। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो जो और भी कुछ कुछ प्रकार के भूमि होते थे उनको क्या क्या कहा जाता था। एक भूमि जिसको क्षेत्र कहा जाता था, क्षेत्र होता था कि वैसा भूमि जिस पर उपज किया जा सके, उपजाया जा सके, उपज योग्य भूमि जो होता था उसे क्षेत्र कहा जाता था। एक होता था वास्तु, वास्तु क्या होता था कि वे भूमि जहाँ पर लोग वास करते थे, वास करने योग्य भूमि को वास्तु कहते थे। तीसरा हम लोग बात करेंगे खिल, खिल क्या होता था, तो खिल होता था कि जो भूमि जोती नहीं जाती या जोती नहीं जा सकती, यानी कि एक प्रकार का बंजर भूमि को क्या कहते थे, खिल। और एक भूमि होता था जिसे चारागाह भूमि कहते थे, और ये चारागाह भूमि में पशु को चराने के लिए प्रयोग किया जाता था। तो जो भूमि पशु को चराने योग्य हो उसे चारागाह भूमि कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 5 प्रकार के भूमि के बारे में बात कर लिए। एक तो अप्रहत भूमि जो जंगली भूमि है, जो जोती नहीं, जोती हुई नहीं हो। दूसरा हम लोग बात किए क्षेत्र, जो भूमि उपज योग्य हो। तीसरा हम लोग बात किए खिल, खिल मतलब बिना जोती हुई भूमि जो जोती नहीं जा सकती। और चौथा हम लोग देखे चारागाह, चारागाह भूमि जो पशु को चराने योग्य भूमि हो उसे चारागाह भूमि कहते हैं। आगे हम लोग करते हैं 27 नंबर सवाल। ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है। तो ओदंतपुर जो शिक्षा केंद्र है ये किस राज्य में अवस्थित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिहार, बी। ये ओदंतपुर शिक्षा केंद्र जो है ये नालंदा से लगभग 10 किलोमीटर दूर है, और इसका जो स्थापना किया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था गोपाल के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, गोपाल के द्वारा। एक सवाल और पूछता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में है, तो ये भी बिहार में है, और बिहार में कहाँ पड़ता है, तो वो भागलपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, तो भागलपुर में पड़ता है। और ये इसका स्थापना किसके द्वारा किया गया था, विक्रमशिला का, तो वो धर्मपाल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, धर्मपाल के द्वारा किया गया था। और इसका जो धर्मपाल स्थापना किए थे विक्रमशिला का, वो 770 से 810 ईस्वी के बीच में, और ये जो ओदंतपुरी का स्थापना किया गया था ये लगभग 770 ईस्वी में। तो ओदंतपुरी विक्रमशिला से भी पुराना माना जाता है, जिसका स्थापना गोपाल के द्वारा करवाया गया था। लेकिन वो उतना प्रसिद्ध नहीं है, उतना विख्यात नहीं है, क्योंकि उसका खुदाई कार्य नहीं हुआ है और वो अभी भी भूमि के अंदर समाहित है, इसीलिए वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता है, लेकिन एग्जाम में यहां से सवाल आ जाता है। चलेंगे हम लोग करेंगे 28 नंबर सवाल। 28 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। निम्न में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। तो यहाँ पर 4 लोगों का नाम दिया हुआ है। अगर हम बात करते हैं आरडी बनर्जी, के एन दीक्षित, एम एन वस्त, तो ये 3 लोग हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है और उत्खनन कार्य से जुड़े हुए हैं। जबकि बी एस मिथ एक इतिहासकार है, विदेशी इतिहासकार है, तो इन्होंने जो यहाँ पर खुदाई में भाग नहीं लिए थे। इन्होंने समुद्रगुप्त के बारे में, हम लोग जो बात करेंगे आगे देखेंगे सवाल आएगा, तो उसमें समुद्रगुप्त के बारे में इन्होंने कुछ चर्चा किए हैं, जिनको उन्होंने भारत का नेपोलियन कहा है। तो बी एस स्मिथ एक विदेशी इतिहासकार है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, इसका गलत नहीं थे, तो आंसर यही हो जाएगा आपका डी। 29 नंबर सवाल करेंगे, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। कहाँ, तो सारनाथ में। गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में अपना घर को त्याग करके और ये अपना ज्ञान की खोज में निकल गए थे। 35 वर्ष की यानी 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो इन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के बाद कुछ लोगों को शिक्षित किए थे, शिक्षा दिए थे। तो सबसे पहले इन्होंने अपना जो उपदेश दिए थे, शिक्षा दिए थे, वो कहाँ दिए थे, तो सारनाथ में। इस सारनाथ को ऋषिपत्नम भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, ऋषिपत्नम भी कहा जाता है। कहीं कहीं पे एग्जाम में दे देता है सारनाथ को, ऑप्शन हटा देगा और ऑप्शन में दे देगा ऋषिपत्नम, तो इसी को ऋषिपत्नम कहते हैं। जब इन्होंने
प्रथम उपदेश दिए थे, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। और जब इन्होंने घर त्याग किए थे तो उसे महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है, और जब ज्ञान प्राप्त किए थे उसे संबोधि कहते हैं। चलिए आगे करते हैं हम लोग 30 नंबर सवाल, इंडिका के लेखक कौन था, इंडिका का लेखक कौन था, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, मेगस्थनीज। मेगस्थनीज जो थे इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी, और ये इंडिका नामक पुस्तक में मौर्य प्रशासन के बारे में, मौर्य काल के बारे में प्रमुख रूप से विवरण किया गया है। ये मेगस्थनीज कौन थे, तो मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे, और ये किसके दरबार में आए थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। और जब चंद्रगुप्त मौर्य से सेल्यूकस प्रभावित हुआ था, तो अपनी पुत्री का विवाह, चेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ भी कर दिया था। तो ये सवाल यहाँ पर ध्यान रखेंगे, इंडिका का लेखक कौन था, तो मेगस्थनीज, मेगस्थनीज कौन था, तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, और ये किसके दरबार में आया था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। विष्णुगुप्त जानते हैं, जिन्हें कौटिल या चाणक्य के नाम से जानते हैं, और इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी, अर्थशास्त्र। यहाँ पे ये प्लिनी होगा, ठीक है, प्लिनी, और इन्होंने नेचुरल हिस्टोरी का नामक पुस्तक लिखी थी। अगर हम लोग बात करते हैं डाइमेकस, तो ये डाइमेकस कौन थे, तो ये सीरिया के शासक एंटियोकस थे, उनके ये राजदूत थे, एंटियोकस के राजदूत थे, और ये किसके दरबार में आए थे, तो मौर्य शासक बिंदुसार के दरबार में ये आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मेगस्थनीज। 31 नंबर सवाल है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, प्राचीन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। अब ये जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, ये कौन थे, हरिसेन थे, हरिसेन थे, और इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी, इन्होंने क्या लिखी थी, प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी। तो समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है, और कहा किसने थे, तो स्मिथ ने, जो अभी हम लोग ऊपर सवाल कर रहे थे, वही जो लेखक थे, इनको भारत का नेपोलियन कहे हैं समुद्रगुप्त को। और समुद्रगुप्त को बीना बजाते हुए भी अपने सिक्का पर दिखाया गया है, तो 31 का आंसर हो जाएगा, 31 का डी। 32 नंबर सवाल करेंगे, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी, तो हर्षवर्धन, इसका याद करने का तरीका है कि ह से हर्षवर्धन का शासनकाल था, और आने वाला चीनी यात्री का भी नाम ह से ही था, तो आंसर क्या हो जाएगा, ह्वेनसांग। ह्वेनसांग जो भारत में आया था हर्षवर्धन के काल में, वो 627 से 643 ईस्वी के बीच में आया था, 627 से 643 ईस्वी के बीच में आया था। और एक और सवाल पूछ देता है कि फाहियान किसके शासनकाल में आया था, तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ह्वेनसांग। 33 नंबर सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो आंसर क्या हो जाएगा, कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त को माना जाता है, और गुप्त काल में ही सर्वाधिक सोने के सिक्के भी चलाए गए थे, सर्वाधिक सोने का सिक्के जारी किए गए थे गुप्त काल में, जिसे क्या कहा जाता था, जिसे दिनार कहा जाता था, जिसे क्या कहते थे, दिनार कहते थे। 34 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है, निम्न में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। अब यहाँ पर हड़प्पा का जो बंदरगाह पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कौन सा हड़प्पन बंदरगाह, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, लोथल। लोथल जो है ये हड़प्पा का बंदरगाह है, प्रमुख बंदरगाह है, और हड़प्पा जो ये जो लोथल पड़ता है, ये किस राज्य में है, तो ये गुजरात में है, और ये भोगवा नदी के तट पर, किस नदी के तट पर है, तो ये भोगवा नदी के तट पर है। और यहाँ से चावल के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लोथल से गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है, प्रमुख बंदरगाह है, नाप तौल के प्रमाण यहाँ से मिले हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, लोथल। चलिए 35 नंबर सवाल करेंगे कि गुप्त सम्राट जिसने हूनों को पराजित किया था, गुप्त सम्राट जिसने हूनों को पराजित किया था, उसका नाम क्या है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा सी, स्कंदगुप्त। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं स्कंदगुप्त के बारे में, तो स्कंदगुप्त का ये जानकारी कहाँ से मिलता है कि इन्होंने हूनों को पराजित किए थे, तो ये जूनागढ़ अभिलेख से,
कहाँ से प्राप्त होता है? तो जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है कि स्कंद गुप्त ने हुनों को पराजित किए थे। समुद्रगुप्त के बारे में बात करें तो इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है, और ये कहा किसने है, तो स्मिथ ने कहा है, और समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए भी सिक्कों पर दिखाया गया है। 36 नंबर सवाल है, कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजतरंगनी। राजतरंगनी नामक पुस्तक कलहन के द्वारा लिखा गया है। और ये कलहन जो है, ये कहाँ के लेखक थे? तो ये थे कश्मीर के। ये कहाँ के थे? तो कश्मीर के थे। अब यहाँ पर दो पुस्तक और देख लेते हैं। जैसे अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य थे, और ये अर्थशास्त्र किस पर आधारित पुस्तक थी? तो ये राजनीतिक पर आधारित पुस्तक थी। इंडिका के लेखक जो हैं वो कौन है? तो मेगस्थनीज। और मेगस्थनीज जो इंडिका नामक पुस्तक लिखे हैं, वो इंडिका में किसका वर्णन किया गया है? तो मौर्य साम्राज्य के शासन का वर्णन किया गया है, प्रशासन का वर्णन किया गया है, ये इंडिका में मिलता है। चलिए 37 नंबर सवाल करेंगे, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो इसमें ज्यादा कुछ आपको ध्यान देना नहीं है, बस फैक्ट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जूनागढ़ अभिलेख। और जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन प्रथम के लिए ही विख्यात माना जाता है, जो सर्व प्रमुख माना जाता है। 38 नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और आसान सवाल है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुंड ग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंड ग्राम में हुआ था। अब महावीर स्वामी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो महावीर स्वामी जो थे, वो जैन धर्म का 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। ठीक है, 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। अगर इनके पिता का नाम देख लें, तो इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला, जो लिच्छवी के शासक राजा चेटक की बहन थी, और ये सिद्धार्थ ज्ञात्री कुल से संबंधित थे। इनकी पत्नी का नाम देखें, तो इनकी पत्नी का नाम यशोदा, और इनकी एक पुत्री थी, और इन पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। आगे हम लोग चलेंगे 29 नंबर सवाल, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? 39 नंबर सवाल कह रहा है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो आंसर क्या हो जाएगा? कुशीनारा। अब यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं सभी जितने भी जगह का नाम दिया हुआ है, उन सभी के बारे में कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा स्थान किस घटना से संबंधित है। तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो हुआ था, वो कुशीनारा में, और ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कुशीनारा में, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और ये कुशी नारा जो है, वो मल्ल गणराज्य जो हम लोग पढ़ते हैं, जनपद 16 महाजनपद, उस 16 महाजनपद में एक मल्ल का नाम आता है, और वही मल्ल का जो राजधानी कुशीनारा, वहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी, महापरिनिर्वाण प्राप्त हुई थी। अब लुम्बिनी और कपिल वस्तु, ये दोनों का नाम किससे जुड़ा हुआ है? तो इनका जन्म से जुड़ा हुआ है। तो जन्म कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, और बोध गया में इनकी इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसे उरुवेला के नाम से भी जाना जाता है। जिस जंगल में प्राप्त हुआ था, उसे उरुवेला के नाम से जानते हैं। और निरंजना नदी के तट पर, निरंजना नदी के तट पर। अब थोड़ा सा इनके सारे घटना को समझ लेते हैं कि किसको किसको क्या कहते हैं। जब महात्मा बुद्ध का मृत्यु हुआ था, उसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। जब इन्होंने घर छोड़कर निकले थे, घर त्याग कर बाहर निकले थे ज्ञान प्राप्ति के लिए, तो उसे क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसे क्या कहते हैं? तो संबोधि के नाम से जाना जाता है। और कहाँ प्राप्त हुई थी ज्ञान? तो पिप्पल वृक्ष के नीचे बोध गया में 6 साल के कठिन तपस्या के बाद। और इन्होंने जो अपना सारनाथ में पहला उपदेश दिए थे, जिसे किस नाम से जानते हैं? तो धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, जिसे ऋषिपत्नम भी कहते हैं। सारनाथ को ऋषिपत्नम भी कहा जाता है।
40 नंबर सवाल है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था। देखिए एक ही क्वेश्चन को किस प्रकार से घुमा घुमा कर पूछ रहा है। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था। तो धर्म चक्र प्रवर्तन किसको कहते हैं, जब इन्होंने अपना उपदेश दिए थे, पहला उपदेश दिए थे, पहला ज्ञान दिए थे। तो पहला उपदेश इन्होंने कहाँ पर दिए थे, तो ये दिए थे सारनाथ में। तो सारनाथ जिसे ऋषि पतनम भी कहते हैं, और सारनाथ में जो इन्होंने अपना ज्ञान दिए थे या फिर जिन्होंने अपना उपदेश पहला दिए थे, उसी को क्या कहते हैं, धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। आगे हम लोग करेंगे 41 नंबर सवाल। 41 नंबर सवाल है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी किसको माना जाता है, तो आंसर हो जाएगा राजगिरी, जिसे गिरी ब्रज भी पहले कहा जाता था। आंसर हो जाएगा राजगिरी। और ये राजगिरी जो अपनी राजधानी बनाई थी, सबसे पहले वो किसके द्वारा बनाया गया था, तो बिंबिसार के द्वारा बनाया गया था। तो जो हर्यक वंश के शासक थे, संस्थापक थे बिंबिसार। अब राजधानी चल ही रहा था, जैसे बिंबिसार हो गए, अजातशत्रु हो गए, तो उदयन एक शासक आते हैं और वो उदयन जो राजगिरी जो राजधानी था, इस राजधानी को स्थानांतरित कहाँ कर देते हैं, पाटलिपुत्र में। उन्होंने क्या करते हैं कि गंगा सोन गंडक के संगम पर एक नगर बसाते हैं जिसका नाम रहता है पाटलिपुत्र, और उसी पाटलिपुत्र को अपना उन्होंने राजधानी बनाते हैं। तो किसके द्वारा बनाया गया था पाटलिपुत्र में राजधानी, तो उदयन के द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी राजगृह। राजगृह इसकी प्रारंभिक राजधानी थी, दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र। बयालीस नंबर सवाल है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या है, अजातशत्रु किस वंश से संबंधित थे। तो अजातशत्रु हर्यक वंश से संबंधित थे, हर्यक वंश से संबंधित थे, और हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। किन्हें, तो बिंबिसार को माना जाता है। और अजातशत्रु जो थे बिंबिसार के बाद जो शासनकाल संभालते हैं, वो अजातशत्रु संभालते हैं। और ये अजातशत्रु या फिर जो हर्यक वंश, उसे पितृहंता वंश के रूप में भी जाना जाता है। अजातशत्रु भी अपने पिता का हत्या करके ही और अपने गद्दी प्राप्त किए थे, इसीलिए इन्हें कुनिक के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं, इन्हें कुनिक भी कहा जाता है। 43 नंबर सवाल, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी। बौद्ध सभा बहुत इंपॉर्टेंट है, चार बौद्ध सभाएं बुलाई गई थी। किस किस स्थान पर बुलाई गई थी, किसके किसके शासनकाल में बुलाई गई थी, और उसके अध्यक्षता कौन कौन किए थे, उन सभी को हम लोग यहाँ पर डिटेल में देखते हैं। तो तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। अब पहली बौद्ध सभा, दूसरी बौद्ध सभा, तृतीय बौद्ध सभा और चतुर्थ बौद्ध सभा, ये सभी को हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं, तो पहला बौद्ध सभा कहाँ बुलाई गई थी, तो राजगृह, राजगृह। दूसरा वैशाली, वैशाली। तीसरा पाटलिपुत्र। और चौथा कुंडलवन, कुंडलवन। ये कुंडलवन कहाँ पड़ता है, कश्मीर में। इस किसके किसके शासनकाल में बुलाई गई थी, तो पहला जो था वो अजातशत्रु, आगे देखेंगे कालाशोक, कालाशोक अशोक, तीसरा अशोक, और चौथा कनिष्क, चौथा कनिष्क। तो पहला अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क के काल में बुलाई गई थी चारों सभाएं। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, महाकश्यप, महाकश्यप, सब्बाकामी, मुगलीपुतिस और वसुमित्र, वसुमित्र। तो पहला का अध्यक्षता किसके द्वारा, महाकश्यप के द्वारा। दूसरा अध्यक्षता सब्बाकामी, तीसरा के अध्यक्षता मोगलीपुतिस और चौथा वसुमित्र के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। तो ये चार का याद रखेंगे, किस किस स्थान पर बुलाए गए थे, उसके किसके किसके शासनकाल में बुलाए गए थे, और उसके अध्यक्षता कौन कौन किए थे, तो ये ध्यान रखेंगे। और ये यहाँ पर ये फैक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी सवाल पूछेगा। तो फिर से हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं,
पहला जो बुलाया गया था वो कहाँ पर? राजगृह में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कुंडलवन कश्मीर में। अगर हम अध्यक्षता शासक का बात करते हैं तो अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क के शासनकाल में। अगर अध्यक्षता का बात करते हैं तो महाकश्यप, सब्बाकामी, मोगलिपुतिस और वसुमित्र, ये पूरा सीरीज से आपको याद रहेगा। चलिए, तो 43 नंबर हो गया, 44 नंबर सवाल करते हैं। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, यानी कि जो बोध गया में जिस पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई थी महात्मा बुद्ध को, वो महात्मा बुद्ध का जो पीपल का वृक्ष है वो किस पीढ़ी का है अभी वर्तमान में? तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये जो सवाल है, ये सवाल के अकॉर्डिंग आंसर अलग अलग हो जाते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि ऐसे सवाल जब आयोग पूछेगा तो उसका वो आंसर किसको मानता है। ऐसे अगर देखा जाए तो इस प्रश्न के हिसाब से इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चतुर्थ पीढ़ी का। लेकिन ये जो BPSC एग्जाम में पूछा था, 48 से 52वीं BPSC, उसमें इसका आंसर वो कौन सा मारा था? षष्टम माना था, षष्टम माना था कि ये छठी पीढ़ी का है। लेकिन ऐसे इसको देखा जाए तो ये चौथी पीढ़ी का ही माना जाता है। पहला जो पीढ़ी जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी महात्मा बुद्ध को, उस वृक्ष को शशांक के द्वारा कटवा दिया गया था और उसे गंगा में फेंकवा दिया गया था। तो पहला पीढ़ी का तो है ही नहीं, इसके बाद दूसरा पीढ़ी का भी पेड़ लगा, वो भी खत्म हो गए, तीसरे, और ये वर्तमान में चौथा माना जाता है। कहीं कहीं भी इसे षष्टम पीढ़ी का भी माना जाता है। तो यहाँ पर दोनों ध्यान रखेंगे, चतुर्थ और षष्टम, ऐसे इस प्रश्न में दोनों ऑप्शन नहीं देना चाहिए था, लेकिन दोनों दिया है तो थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा कि चौथा मारे या फिर छठा मारे। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? चौथा या तो छठा, आप देख लीजिएगा, दोनों आपको बता दिए हैं। 45 नंबर सवाल करते हैं, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो विश्व का पहला गणतंत्र पूछ रहा है कि वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लिच्छवी। इसको जब आप महाजनपद पढ़े होंगे, 16 महाजनपद, तो उस महाजनपद में आप इस चीज को अच्छे से पढ़ रखे होंगे कि एक आपका बिहार में पड़ता है 16 महाजनपद, जिसमें से एक का नाम आता है जिसको हम लोग कहते हैं वज्जी। और ये जो वज्जी महाजनपद था, ये 8 महाजनपदों, महाजनपद नहीं बोलेंगे, 8 जनपद को मिलाकर एक महाजनपद बना था। तो ये जो 8 जनपद था वज्जी, और उसका राजधानी वैशाली था, तो वो जो 8 का जो स्थापना हुआ था, 8 का जो मिलकर एक महाजनपद बना था, उसमें सबसे प्रमुख कौन था? लिच्छवी। और ये विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक भी माना जाता है, यह गणतंत्र था जो पहला गणतंत्र था। ऐसा अगर हम मल भी देखें तो जहां पर महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था कुशीनारा में, तो वो जो मल का मल है महाजनपद, वो भी एक क्या था? गणतंत्र था। लेकिन पहला गणतंत्र पूछ रखा है, तो पहला गणतंत्र इसका आंसर क्या हो जाएगा? लिच्छवी हो जाएगा। और ये किस महाजनपद का पाठ है? तो ये वज्जी महाजनपद का पाठ है, और उसमें 8 जनपद थे, 8 में से एक लिच्छवी भी था जो सबसे प्रमुख माना जाता है। 46 नंबर देखते हैं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? आप लोग एक चीज और कहना चाहेंगे कि अगर आप लोग इसका बाइलिंगुअल टेस्ट लगाना चाहते हैं, बाइलिंगुअल क्वेश्चन अगर आप लोग चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिल जाएगा बाइलिंगुअल, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाइएगा और जाकर आप पूरा टेस्ट लगाइएगा, आराम से पूरा का पूरा क्वेश्चन मिलेगा और दोनों लैंग्वेज में मिलेगा, बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। तो उसको आप लोग एक बार करके देखिएगा कि जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के बाद मेरा क्वेश्चन कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित था या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 15। लगभग सबको याद होगा 15 अधिकरणों में विभाजित है। अगर यहीं पे सवाल रहता कि कितने अध्याय में विभाजित है, तो इसका अध्याय कितना हो जाता? अध्याय हो जाता इसका 150। लगभग 150 अध्याय में विभाजित है। तो ये अलग अलग सवाल पूछेगा तो अलग अलग इसका फैक्ट बनेगा। यहाँ पर ऑप्शन 150 और 100 का तो दिया नहीं है, यहाँ पर केवल ऑप्शन दिया है 11, 12, 14, 15, तो आंसर हो जाएगा 15 अध्याय में रहता और ऑप्शन देता 100, 150, 200, 250, तो आंसर कितना हो जाता? 150 हो जाता। ये जो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक है, ये किस पर आधारित पुस्तक है? तो राजनीतिक पर आधारित पुस्तक है। और कौटिल्य कौन थे? तो कौटिल्य जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, मौर्य वंश के संस्थापक, उनके ये महामंत्री थे।
तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभाजित है। 47 नंबर सवाल करेंगे, सेंट्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की है? चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस और एंट्रोकोटस के नाम से भी जाना जाता है, और सेंट्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस नाम से पुकारे हैं, इन्हें एंट्रोकोटस भी कहा जाता है। तो सेंट्रोकोसट और एंट्रोकोटस किनको कहते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य को। और चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? तो मौर्य वंश के संस्थापक थे। तो आंसर हो जाएगा इसका विलियम जोन्स। और यहाँ पर अगर हम वी स्मिथ के बारे में बात करते हैं, तो वी स्मिथ जो थे इन्होंने किसके बारे में बात किए हैं? तो इन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहे हैं। तो वी स्मिथ नेपोलियन से संबंधित हैं, नेपोलियन से संबंधित हैं जिन्होंने समुद्रगुप्त को कहे थे, और विलियम जोन्स सेंट्रोकोटस से संबंधित हैं जिन्हों जिनको क्या कहे थे? चंद्रगुप्त मौर्य को कहे थे। तो आंसर हो जाएगा 47 का ए। 48 नंबर सवाल करेंगे, अशोक के ब्राह्मणी अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक के ब्राह्मणी अभिलेख को किसने पढ़ा था? तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले पढ़ा था 1837 में। कब पढ़ा था? 1837 में पढ़ा था। तो अशोक के ब्राह्मणी अभिलेख को या अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने ही पढ़ा था। तो ये याद रखेंगे। 49 नंबर प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट था, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बृहद्रथ। क्या हो जाएगा आंसर? इसका बृहद्रथ हो जाएगा। अब देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं बृहद्रथ के बारे में, तो इनके बारे में हम लोग क्या जानेंगे? यहाँ पर जानते हैं कि इनके ही सेनापति थे। इनके सेनापति का नाम था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग, इनकी हत्या कर दी पुष्यमित्र शुंग ने, और उन्होंने एक नया वंश का स्थापना कर दिए जिसका नाम पड़ गया शुंग वंश। तो बृहद्रथ जो थे ये मौर्य सम्राट, अंतिम मौर्य सम्राट थे। इनकी हत्या पुष्यमित्र शुंग इनके सेनापति ने कर दिए, और एक नया वंश शुंग वंश की स्थापना कर दिया जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी बृहद्रथ। 50 नंबर सवाल करेंगे, पाटलिपुत्र के संस्थापक हैं, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? इससे पहले भी हम लोग इससे रिलेटेड सवाल किए थे, वहाँ पे सवाल इससे रिलेटेड नहीं था लेकिन आप लोगों को बताए थे जब राजधानी हम लोग पढ़ रहे थे। तो अगर पाटलिपुत्र के संस्थापक को देखा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा? उदयन या तो उदयन। ये जो थे उदयन, इन्होंने क्या किए थे कि गंगा सोन और गंडक के संगम पर एक एक नगर बसाए थे जिसका नाम रखा था रखा गया था पाटलिपुत्र, और वो पाटलिपुत्र को अपना राजधानी भी बनाए थे। पहले राजधानी राजगृह में था और वहां से स्थानांतरित करके इन्होंने अपना राजधानी पाटलिपुत्र बनाए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए उदयन। ये जितना भी हम लोग आज हम लोग यहाँ पर 25 सवाल किए हैं, इससे आगे का और भी जो सवाल होगा वो आगे के हम लोग क्लास में करेंगे। आप लोग को अगर टेस्ट लगाना हो बाइलिंगुअल, तो अभी आपको थोड़ा देर पहले भी बताए थे, अभी भी एक बार और बता देते हैं कि आप लोग क्या कीजिएगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा, और वहाँ लिंक से आप बाइलिंगुअल क्वेश्चन लीजिएगा और उसका आंसर आप लगाइएगा। जो लोग पढ़ लिए हैं वो लोग फिर से आप इस क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे कि मेरा पढ़ने के बाद कितना क्वेश्चन आंसर सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, उसका आप जांच कर सकते हैं। तो ठीक है, बाकी इसका जो और भी पार्ट होगा वो आगे के क्लास में हम लोग करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।